दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भारत ने राफेल खरीदकर फिजाई ताकत में तमाम बैरियर्स तोड़ दिए हैं, तो आप मुकम्मल तौर पर गलत हैं। दरअसल ताकत के तवाजुन यानी के बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने के लिए ये तैयारे खरीदे गए हैं। ये तैयारे इंडिया की अशद जरूरत थी, क्योंकि मौजूदा कोई भी तैयारा पाक फिजाइया के मुकाबले की अहलियत नहीं रखता था, जिसका सबूत 27 फरवरी को लड़ाई में जमीन बोझ होने वाले दो तैयारों के अलावा फनी खराबी के बायस गिरने वाले इस एक साल के अंदर अंदर ही भारत के तकरीबन 15 तैयारे भी शामिल हैं। इसके अलावा 27 फरवरी के बाद मोदी की तकरीरों में चीखें जो निकली हैं, वो पूरी दुनिया ने सुनी कि अगर आज रफाल होता तो ये ना होता और वो ना होता, वगैरह वगैरह। और भारतीय फिजाइया के सरबरा को दुनिया ने ये भी कहते सुना कि जितने पुराने तैयारे हम उड़ा रहे हैं, इतनी पुरानी तो इंडिया में कोई कार भी नहीं चलाना पसंद करता। दोस्तों, सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त जब भारतीय मईशियत बुरी तरह लड़खड़ा रही है, तकरीबन 15 बैंक्स दिवालिया हो गए हैं, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज पर नो इंडियन करेंसी के बोर्ड आवेजा हैं, इस बुरे वक्त में इंडिया ने 8.78 बिलियन डॉलर्स की डील की रफाल के लिए, मरता क्या ना करता के मुसद्दिक तो ये बात जहन से निकाल दें कि इंडिया आगे बढ़ा है। इंडिया ने बहालत मजबूरी ये तैयारे खरीदे हैं ताकि पाक फिजाइया का मुकाबला कर सके। यहाँ तक तो हो गई एक बात, अब दूसरा पहलू, और वो पहलू ये है कि राफेल को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। बिलाशुबा ये मौजूदा दौर का एक बेहतरीन फाइटर जेट है, मगर क्या ये भारतीय उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? क्या ये पाकिस्तान के फिजाई निजाम को खतरे से दोचार कर सकेगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं? क्या भारत का मकसद पूरा हो रहा है? तो इन सभी सवालात का जवाब है नहीं। दोस्तों, मुझे ये कहने दीजिए कि भारत ने राफेल खरीद के अपनी बेवकूफी पर एक और मोहर लगा दी है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के फिजाई दिफा के जो मुमकिना अहदाफ हैं, इनके मुकाबलों में राफेल कहीं नजर नहीं आता। या राफेल खरीद कर भारत ने पाकिस्तान के लिए जो ऑप्शंस छोड़ दिए हैं, वो भारतीय पॉलिसी मेकर्स के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारत को राफेल 3 साल बाद मिलना शुरू होंगे, यानी कि 2022 में मिलेंगे। भारत ने आज से 3 साल बाद राफेल लेने का मुआहिदा, जो कि एक फोर्थ जनरेशन तैयारा है, और ये मुआहिदा करके भारत ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि पाकिस्तान भारत के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर सके। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मदद से, जी हाँ बिल्कुल, भारत 3 साल बाद का मुआहिदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद बना रहा है ब्लॉक 3, जो अगले साल इंशाल्लाह हमारे पास होगा। तो जब पाकिस्तान को भारत का मुस्तकबिल यानी कि राफेल मालूम है, तो पाकिस्तान ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन और वेपन कैपेबिलिटी को इसी हिसाब से तैयार करेगा और कर रहा है। ब्लॉक 3 राफेल की टक्कर के लिए ही बनाया जा रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन इंतहाई हैरान कुन है, जिसकी एक मिसाल यह है कि राफेल में मिसाइल सिस्टम BVR MBDA इस्तेमाल हुआ है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में मिसाइल टेक्नोलॉजी PL-15 इस्तेमाल हो रही है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, और ये Mach 4 से 6 तक का वॉरहेड ले जा सकता है। लिहाजा JF-17 थंडर की सूरत में भारत एक बड़े सरप्राइज से दोचार होने वाला है। और फिर यही नहीं, इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए। दोस्तों, चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मुश्तरका JF-17 के अलावा गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले पाकिस्तान की चीन से चीनी साख्ता तैयारे खरीदने की खबरें गर्दिश में रही। याद रहे कि चीन के पास J-20 भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान खरीद सकता है। J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना दुनिया में तीसरा मुल्क है जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, जिसे राफेल के मुकाबले में खरीदने का ऑप्शन पाकिस्तान के पास हमेशा से मौजूद है, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जेट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने J-20 और राफेल की चंद चीजें रखता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इन दोनों तैयारों में कितना फर्क है। सबसे पहले जनरेशन, राफेल 4.5 जनरेशन, जबकि J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। मैक्स टेक ऑफ वेट, राफेल 24,500 किलोग्राम, जबकि J-20 37,013 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी, राफेल 10,400 LBS, जबकि J-20 25,000 LBS सपोर्ट करता है।
अब बात करते हैं रेंज की। राफेल 3700 किलोमीटर जबकि J20 6000 किलोमीटर की रेंज रखता है। कॉम्बैट रेंज की अगर हम बात करें तो राफेल 1852 किलोमीटर जबकि J20 2000 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज का हामिल है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल नहीं है। तो सोचिए, अगर ब्लॉक 3 बनाने के अलावा भी पाकिस्तान राफेल के जवाब में चाइना से J20 खरीद लेता है तो कहां गई भारतीय फिजाइया और कहां गया उनका दिफा, और भारत किस मर्तबान में अचार डालेगा राफेल का। इसके बाद कॉम्बैट एफिशिएंसी की बात करें तो इस पर मिलिट्री वॉच मैगजीन ने मई में ही राफेल के पड़छे उधेड़ कर रख दिए थे कि राफेल किसी भी तरह से भारत के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं। ये एक बहुत मजेदार आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत सी चीजों में तो सुखोई 30 ही राफेल से बेहतर है जो कि पहले से इंडिया के पास मौजूद है, जिसे 27 फरवरी को MiG-20 के साथ ही पाक फिजाइया सजदे में भेज चुकी है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट असम। जी हाँ, अमरीका, रूस और चीन के बाद पाकिस्तान चौथा मुल्क है जो प्रोजेक्ट अजम की शक्ल में अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। यहाँ पर मोदी के घुटनों में मौजूद अकल मजीद वाजे हो जाती है कि जब पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन फाइटर पर काम कर रहा है, इस वक्त भी ये 4th जनरेशन तैयारे का मुआहिदा कर रहे हैं, और वो भी जो इनको 3 साल बाद मिलेंगे। हालांकि जब भारत को राफेल का तोड़ J20 या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सूरत में नजर आ रहा था, और फिर इसके बाद एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का अपना प्रोजेक्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ भी सामने था, तो यहाँ पर अकल का तकाजा ये भी था, और पाकिस्तान समेत कोई भी मुल्क भारत की जगह होता तो वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए मुआहिदा करता या कोशिश करता बनाने की। लेकिन यहाँ पर भारत ने रूस के साथ 2007 में साइन किए गए FGFA प्रोग्राम से भी गुज़िश्ता साल हाथ खींच लिया और बैकफुट पर चला गया। यानी के बजाय इसके इस हसास सूरत हाल में जब पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें से 2 5th जनरेशन हैं, भारत अपने इसी मुआहिदे को दोबारा प्रोसीड करता और सुखोई 15 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम करता। इसने 3 साल बाद मिलने वाले 4th जनरेशन तैयारों का मुआहिदा करके $8.78 बिलियन यानी के तकरीबन 59,000 करोड़ झोंक दिए, जिसे गिरती हुई मईशत को मजीद झटका लगा, और हिंदुस्तान यकीनी तौर पर अगली कम से कम एक दहाई तक किसी बड़े दिफाई प्रोजेक्ट को भी प्रोसीड करने की पोजीशन में नहीं रहा। राफेल हासिल करने के बावजूद मौजूदा फिजाई ताकत में भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना आ सकी, और अगले कई साल तक भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बात और बड़े दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि भले 5th जनरेशन या 6th जनरेशन तैयारे भारत खरीद ले, लेकिन पाकिस्तानी जवानों जैसा जिगर कहां से लाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।